अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए पांच मल्ला का बहुत ही खूबसूरत स्पेनिश घर। जैसे कि आप इसका फ्रंट एलिवेशन चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रॉक वॉल लाइट्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये बैरिया टाउन लाहौर सेक्टर डी की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे घर बनाया गया है। मैं आपका रोड को व्यू करवा देता हूँ। 40 फीट रोड पर सिचुएटेड है ये घर। LDA अप्रूव ब्लॉक है। गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन यहाँ अवेलेबल हैं। चलें आपको घर का विजिट करवाता हूँ। ये हम इसके गैराज में आ चुके हैं। गैराज की टाइल का वर्क चेक कर सकते हैं। मैट में टाइल यूज़ की गई है। सामने आपको डोर मिलेगा जो रूफटॉप पे जा रहा है। यहाँ आपको मेन डोर के साथ ड्राइंग रूम का डोर है। मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, वॉल को डिकोर किया गया खूबसूरत टाइल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। और इसी तरह इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। सामने आप देखेंगे निश जिसके अंदर मोज़ेक का काम किया गया है। और मेरे राइट हैंड पे देखेंगे, वॉल को डिकोर किया गया खूबसूरत टाइल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। ये इसका गैराज है जहाँ पे एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। चलें ड्राइंग रूम से घर के अंदर इंटर होते हैं। ये हम इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। सामने देखेंगे बहुत ही खूबसूरत निश जिसके अंदर वॉलपेपर और लाइट्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। सामने आपको सेफ्टी ग्रिल मिल जाएगी। दूसरी तरफ से व्यू करवा देता हूँ आपको। टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को कंबाइन कर दिया है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका मुकम्मल व्यू है टीवी लॉन्च प्लस ड्राइंग रूम का। आज हम टीवी लॉन्च में चलते हैं। सामने आपको मीडिया वॉल मिल जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे आपको वॉल मिलेगी AC वॉल विद खूबसूरत वॉल लाइट्स, इसका खूबसूरत वॉलपेपर। ये इसका मुकम्मल व्यू है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। पे इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन। दूसरी तरफ से व्यू करवा देता हूँ आपको। ये इसका मुकम्मल व्यू है। सामने देखेंगे स्टेयर जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। सामने पाउडर रूम और रूम बेडरूम और किचन का डोर। ये इसका मुकम्मल व्यू है। सामने आपको स्टेयर नजर आ रही है जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। जैसा कि वीडियो का स्टार्ट में बताया था, आप अपना पोर्शन ऊपर इजीली इसे रेंट आउट कर सकते हैं। सामने आपको मिलेगा किचन के साथ बेडरूम। चलिए बेडरूम का विजिट कर लेते हैं। हम इसके बेडरूम में आ चुके हैं। बेड की हेड वॉल चेक कर सकते हैं, इसे भी खूबसूरत वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह सामने सेफ्टी ग्रिल, अटैच बाथरूम, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड वार्डरोब मिल जाएगी। और ये इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। आज इसके अटैच बाथरूम में चलते हैं। हम इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। सामने आपको खूबसूरत वैनिटी, लुकिंग मिरर, शावर, यहाँ पे आपको कमोड मिल जाएगा। और इसी तरह इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन। इनवर्टेड वार्डरोब का आपको व्यू करवा देता हूं। आज इसके किचन में चलते हैं। यहाँ ग्राउंड फ्लोर के किचन में आ चुके हैं। सामने आप देखेंगे खूबसूरत यूवी शीट इस्तेमाल की गई है। टॉप पे आप देखेंगे ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया, स्टोव हुड, इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन। सामने आपको सिंक मिल जाएगा प्लस विंडो। इसी तरह आपको बाहर गली में जाने के लिए डोर जहां पे आप अपने गीजर और वॉशिंग एरिया यूज करेंगे। यहां पे आपको फ्रिज की स्पेस दे दी गई है। यहाँ पे आपको पाउडर रूम मिलेगा सीढ़ियों के नीचे। और इसी तरह ये सीढ़ियाँ जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं। चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगती है और आपको ये घर कैसा लगा है। ये हम इसके टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। सामने देखेंगे बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर यूज़ किया गया है। और इसी तरह टीवी लॉन्च का खूबसूरत फॉल सीलिंग डिज़ाइन। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दो बेडरूम मिलेंगे प्लस किचन और टेरेस। ये दूसरी तरफ से व्यू करवा रहा हूँ आपको।
चलिए एक एक करके बेडरूम का विजिट कर लेते हैं। ये हम इसके सेकंड बेडरूम में आ चुके हैं। इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन, सामने आपको विंडो मिलेगी, खूबसूरत वॉलपेपर यूज किया गया है। सामने देखेंगे इन्वर्टेड वार्डरोब। ये इसका अटैच बाथरूम है। सामने देखेंगे खूबसूरत वॉल टाइल यूज की गई है, बहुत ही खूबसूरत टाइल यूज की गई है। सामने शॉवर, कमोड, वैनिटी, यहाँ पे आपको लुकिंग मिरर प्लस लाइट। आज आपको उसके थर्ड बेडरूम में लेके चलते हैं। इसका थर्ड बेडरूम है। सामने देखेंगे निश, निश के अंदर खूबसूरत वॉलपेपर, सेफ्टी ग्रिल, यहाँ पे आपको मिलेगा खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन। ये हम इसके बाथरूम में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड वार्डरोब मिलेगी, यहाँ पे इसका खूबसूरत बाथरूम वॉल टाइल चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत वॉल टाइल का काम किया गया है। वैनिटी, लुकिंग मिरर और कमोड। आज आपको किचन में लेके चलते हैं। ये हम फर्स्ट फ्लोर के किचन में आ चुके हैं। टॉप पे देखेंगे ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है, स्टोव, आइजोन का आपको यहाँ पे हुड मिल जाएगा, हाई ग्लोस यूवी शीट इस्तेमाल की गई है। सामने आप देखेंगे सिंक और इसी तरह इसका खूबसूरत फॉल सीलिंग डिजाइन विद खूबसूरत लाइट्स। यहाँ आपको टीवी लाउंज का मीडिया वॉल मिल जाएगा। ये स्टेयर्स हैं जो रूफ टॉप पे जा रही हैं। चलिए आपको रूफ टॉप का व्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए स्पेस दे दी गई है। सामने देखेंगे इन्वर्टेड वार्डरोब आपको दे दी गई है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिलती है। हम इसके रूफ टॉप पे आ चुके हैं। पूरे रूफ टॉप पे टाइल यूज की गई है और ये यहाँ पे इसका सराउंडिंग का व्यू करवा देता हूँ आपको। बैरियटन लाहौर की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे घर बनाया गया है। एलडी अप्रूव्ड ब्लॉक है। गैस, बिजली, पानी यहाँ पे अवेलेबल है। आज आपको टेरेस का व्यू करवाता हूँ। उससे पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। इस घर की जो डिमांड है 2,10,00,000 रुपए है, जो निगोशिएबल है। ये हम इसके टेरेस में आ चुके हैं। ये इसके टेरेस का व्यू करवा रहा हूं मैं आपको। तो हम अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। ये दुआ करते हुए अल्लाह पाक सबको अपने जाती घर अता फरमाए। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके इस घर के बारे में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अल्लाह पाक साहब को जाती घर अता फरमाए। इस घर की जो डिमांड है 2,10,00,000 रुपए है, जो निगोशिएबल है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस घर का विजिट कर सकते हैं। आप अपनी ऑफर दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।